आज हमारे बीच एक विश्व जो ख्याति प्राप्त हैं योग ऋषि अपना राममेहर जी आचार्य जी मौजूद हैं। हम उनसे सीधी बातचीत करेंगे कि गीता जयंती के उपलक्ष्य में ये क्या कहना चाहते हैं और जो 8 तारीख को स्वामी श्री रामदेव जी आ रहे हैं उनके बारे में क्या कुछ प्रोग्राम है और क्या कुछ रुझान है। नमस्कार आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आचार्य जी, ये गीता जयंती हर वर्ष मनाई जाती है, इस बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना ही कहना चाहूँगा कि भारत सनातन धर्म का देश है और भारत के अंदर योगी राज कृष्ण की महिमा 5000 वर्ष पहले धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश यहाँ पर दिया गया और वो ज्योतिष स्थली है, वहाँ मुझे अध्ययन करने का मौका मिला और 10 से 15 साल मैं एक ही पंक्ति पर काम करता हूँ गीता की कि कर्मण्येवाधि का रस्ते मा फलेषु कदाचन। मैं इस समय 8-10 गाँव के प्रतिनिधियों के बीच में हूँ। गीता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मनाई जाने लगी है उसकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा वर्तमान सरकार की करता हूँ और इतना कहता हूँ आपकी मीडिया के माध्यम से कि गीता हमें सिखाती है, जब भी भारत में रहने वाले मनुष्य को कभी परेशानी हो तो गीता जरूर पढ़े। योग ऋषि स्वामी रामदेव का आना, मैं कहता हूँ 5000 वर्ष पहले योगी राज कृष्ण यहाँ आया और गीता जैसे पवित्र ग्रंथ को उपदेश बनाकर चला गया और योग ऋषि स्वामी रामदेव भारत में आया तो योग का डंका विश्व में बजाकर 7 और 8 तारीख को हमारे बीच में हैं, हमारे आदर्श हैं। वैसे हमारे गुरुतुल्य श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी एक बात कहा करते हैं कि परम पूज्य स्वामी रामदेव जी अपना जीवन और अपना चैरिटेबल पूरा देश के लिए समर्पित है। हम उनसे लंबे समय से जुड़े हुए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में पतंजलि एक अच्छा काम कर रहा है और उसका सीधा श्रेय योग ऋषि स्वामी रामदेव को जाता है। उनका धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में आना, पूरा पतंजलि परिवार, अन्य सभी सामाजिक धार्मिक संस्थाएँ, पूरा प्रशासन उनके लिए आँखें बिछाएगा, ऐसी मैं आपकी मीडिया के माध्यम से प्रशासन और सरकार से अपील करूँगा। तो ये थे स्वामी रामेहर आचार्य जी। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।